नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर घंटाघर चौक पर पहुंचकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वही नारेबाजी करते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनका वेतन तो बढ़ा दिया पर उनका वेतन समय पर नहीं आता। मैसेज के माध्यम से उन्हें पूरे वेतन की सूचना मिलती है पर खाते में काटा हुआ वेतन आता है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की समस्याओं का सरकार के द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा। जहां आशा उषा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं, महिला कल्याण, बाल कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतरने का कार्य करती हैं, इसके बाद भी सरकार के द्वारा उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे मजबूर होकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 18 संगठनों के साथ मिलकर आज प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सरकार हाय हाय किस बात को? ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है, एक साथ 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हमारी वेतन वृद्धि करी है 6000 आशा को और 15000 सहयोगी बहनों को, लेकिन इसका फिक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये हड़ताल है। और भी इंसेंटिव है जो रुके हुए वो नहीं आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मानदेय वृद्धि की बात कही है और जो हमारा भुगतान अधूरा अधूरा आता और मैसेज पूरा पूरा आता उसे बंद किया जाए। साथ ही जिला चिकित्सालय मेडिकल हो गया, एल्गिन हो गया, जहाँ पे भी आशाओं का शोषण होता है उसे रोका जावे। कितने संगठन एक साथ यहाँ पर विरोध? आज यहाँ पर लगभग 18 से 19 संगठन एक साथ मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। कितने लोग? लगभग 1000 के ऊपर ही हमारी बहनें हैं और सभी विभाग में तकलीफ है, इसलिए सभी बहनें बार बार निकल कर बाहर आती हैं। अभी अधिकारी आए थे, आपको क्या आश्वासन? अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री की बात मुख्यमंत्री से पहुंचाएंगे, प्रधानमंत्री की बात प्रधानमंत्री जी को, कलेक्टर जी की बात कलेक्टर जी को, जो भी होगा प्रशासन मिलकर आपकी मदद करेगा और हम लोग उनसे यही उम्मीद भी लगाते हैं। नाम बता। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव, आशा उषा सहयोगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।